आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। इसमें हम हॉर्सेस की एवोल्यूशन को देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और ये फिजिकली कैसे इवॉल्व हुए हैं। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखेंगे और जिसको स्टार्ट करेंगे हम किंगडम एनिमलिया से। फाइलम इसका है क्वाड्रेटा, क्लास है इसकी मैमलिया, ऑर्डर है इसका पेरिसो डक्टेला, फैमिली है इक्विडी, जीनस इकस, स्पीशीज है ई कैबलस या इकस कैबलस। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका ये है कि 1970 में नहीं 1870 में पैलेंटोलॉजिस्ट था एक ओसी मार्श, इसने नॉर्थ अमेरिका से कुछ हॉर्सेस की जो थी फॉसल्स वो मिले थे इसने, और उन फॉसल्स को इसने सीक्वेंस के साथ डिस्क्राइब किया था। और फिर जब इसने उन सारे हॉर्सेस को डिस्क्राइब करना शुरू किया तो इसको पता चला कि ये एक लीनियज मतलब एवोल्यूशन की एक सीधी लाइन बन रही है। कुछ सालों बाद अमेरिकन म्यूजियम था नेचुरल हिस्ट्री और म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उसने क्या किया कि जो फॉसिल्स मिले हुए थे हॉर्सेस के उसको असेंबल करना शुरू किया और एग्जीबिशन लगाई जो कि वो दिखाती हो कि जो हॉर्सेस थे वो वक्त के साथ साथ कैसे चेंज हुए हैं फ्रॉम, और जो कि सिर्फ ये ना दिखा रहे हो कि हॉर्सेस की एवोल्यूशन, पर ये भी दिखा रहे हो कि स्पेसिफिक एक मॉडल बन रहा हो जो कि स्ट्रेट लाइन एवोल्यूशन को शो करता है। हॉर्सेस आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ मैमल्स। इन द अर्ली एवोल्यूशन पीरियड्स दे डिड नॉट लुक एट लाइक दे लुक टूडे। 60 मिलियन साल पहले जो हॉर्सेस थे वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे जैसे हमें आज नजर आते हैं। जो उस वक्त उनकी टाइप थी वो थी इयोहिपस, और वो कैसे थे वो हम ये देखते हैं। अबाउट द साइज ऑफ अ फॉक्स और अ मीडियम साइज डॉग, मतलब एक कुत्ते के जितने थे या किसी फॉक्स के साइज के थे। निक नेम इनका था डॉन हॉर्स और लुक्ड लाइक एन डियर इन स्किन, मोस्ट लाइकली फॉर कैमोफ्लेज। हैड 5 टोज ऑन फ्रंटल फीट एंड 3 ऑन हाइंड फीट। टोज एंडेड इन अ स्ट्रॉन्ग थिक हॉर्नी टाइप नेल एंड देयर टिप्स हैड लिटल और नो लेटरल वियन। टीथ वर सिमिलर टू अ पिग, शॉर्ट एंड क्राउन फॉर ईटिंग प्लांट्स एंड स्टूड अबाउट 14 इंचेस हाई एट हिज शोल्डर एंड वेट अराउंड 12 पाउंड। और 30 to 40 million ईयर्स अगो अगर हम जाएं तो उस वक्त जो टाइप थी उसको हमने कहा था मीजोहिपस, और मीजोहिपस कैसे थे ये कुछ कुछ अब जो मॉडर्न डे हॉर्सेस हैं उसके जैसे हो गए हैं। जैसे स्टैंड्स 18 to 24 inches एट द शोल्डर, लॉन्गर स्नाउट थी और जो लेग है और नेक कंपेयर टू इयोहिपस। लेस आर्क्ड हो गए थे, 3 टोज ऑन ईच फुट और लार्जर लिम्स एंड लेग्स कॉज द मीजोहिपस टू रन फास्टर एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ फॉर कैमोफ्लेज। चेंजेस इसलिए इनमें आ रहे थे कि नेचर इनको वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज करती जा रही थी, जैसे जैसे ये अपने आप को समझते थे कि ये फिट हो रहे हैं वैसे वैसे नेचर के अकॉर्डिंगली होते जा रहे थे। अगर हम 30 मिलियन ईयर्स अगो वाले देखें तो ये अब ज्यादा रिजेंबल कर रहे हैं टूडेज हॉर्स से, और इसका जो 30 मिलियन ईयर अगो वाली टाइप थी इसका नाम है मियोहिपस। इनमें क्या हो गया था, एंकल इनके ज्वाइंट हो गए थे, स्लाइट डिश कनकेव टू इट्स फेस स्टूड एट अ मिनिमम ऑफ 24 इंचेस एट द शोल्डर, वेट मच मोर देन द मीजोहिपस, वेट भी इंक्रीज होना शुरू हो गया था इस तरह से। हेड इनके जो थे वो लॉन्गर हो गए थे, एनसीजर टीथ फॉर्म मीजोहिपस एंड द मियोहिपस स्पीशीज ओवरलैप्ड मोर देन 4 मिलियन ईयर्स 5 मिलियन ईयर्स अंटिल अनदर चेंज अकर्स। ये 20 to 25 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास जो टाइप आई वो थी मैरी चिपस, और ये कैसे थे ये थोड़े थोड़े अब रिजेम्बलेंस ज्यादा करते जा रहे हैं। लुक्ड वेरी सिमिलर टू टूडेज हॉर्सेज, स्टूड ओवर 36 इंचेस टॉल एट शोल्डर, टिल हैड 3 टोज एंड आउटसाइड टो बिकम वीकर। हेड इनका चेंज हो गया था, आईज इनकी मूव्ड हो गई थी अलाउइंग बेटर वियन,
जो लॉन्गर थी नेक वो लॉन्गर हो गई फॉर इजियर ग्रेजिंग, डिवेलप डिफेंसेस, डिवेलप अ बेटर सेंस ऑफ स्मेल, टोज स्टार्टेड टर्निंग इनटू हूव्स, जो टीथ थे वो डेवलप हो गए थे जैसे आज के दांत हैं वैसे। 12 से 6 मिलियन ईयर्स पहले कैसे थे ये? पीलोहिपस थे। कंसीडर डायरेक्ट लिंक्स टू द इकस व्हिच इज इन शॉर्ट द हॉर्स वी नो टुडे। आज के जो हॉर्स हैं उससे सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस पीलोहिपस की थी। फर्स्ट सिंगल टोड थे और हूव हॉर्स थे। स्ट्रॉन्ग लेग लिगामेंट्स थे टू इंक्रीज द पावर एंड स्पीड। आज के दौर में भी जो घोड़ा है वो अपनी स्पीड और अपनी ताकत के लिहाज से जाना जाता है। हैड अ डिश्ड फेस एंड रिजेम्बल्ड अ पोनी इन मैनी फैक्टर्स। इकस 5 मिलियन ईयर्स अगो दिस इज द हॉर्स वी नो टूडे। 5 मिलियन साल पहले हमारे पास जो आज के दौर का घोड़ा है वो बना था। डज नॉट हैव अ डिश फेस। मैनी स्ट्रैंड्स ऑफ हॉर्सेस अरोज आफ्टर द पीलोहिपस इकस वाज ओनली टू सर्वाइव। पीलोहिपस के बाद बहुत ज्यादा जो साइड लाइंस थी हॉर्सेस की वो बनी, पर उनमें से सिर्फ एक ने सर्वाइव किया, एक को नेचर ने सपोर्ट किया, वो थी इकस। About 3,000 years ago, the modern day horse was used for migration, farming, warfare, sport, communication and travel. इन कामों के लिए आज से 3,000 साल पहले घोड़े को इस्तेमाल किया जाता था और आज भी इन्हीं सेम कामों के लिए घोड़े को इस्तेमाल किया जाता है, पर कुछ और भी ऐसे काम है जिनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ट्री, ये हमारे पास एक फाइलोजेनेटिक ट्री बन रही है। इसमें ये दिखा बता रहे हैं कि कौन कौन से दौर में कौन कौन से जानवर थे, कौन कौन सी टाइप थी जो रह रही थी। और ये इसके टीथ्स की जो फॉर्मेशन है वो दिखाई गई है कि जब हाइरेकोथीरियम था तो उसके दांत कैसे थे, फिर मीजोहिपस के, मैरीचिपस के, पीलोहिपस के और मॉडर्न डे हॉर्स के कैसे हैं।